अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। 8 बज चुके हैं और मैं जाग गया हूँ, तो अभी तैयारी बाकी है। लेकिन मैंने ली थी और मुर्गियाँ कुछ, भाई असद के घर के नज़दीक भाई थे, मैंने सबका आदत था कि मुर्गियाँ चाहिए थी मुझे अंडों वाली, तो भैया ने उनसे बात की थी तो मिल गई थी। काफ़ी महंगी मिली हैं लेकिन अंडे देती हैं, इसका ये फ़ायदा है। तो आ चुकी हैं, मैंने अंदर क्लोज कर दी इस खुटे के अंदर, वो अंदर जो नज़र आ रही हैं ये वाले अंदर, ये न्यू हैं और ये पहले वाली हैं। इसमें अभी छोटी हैं, ये अंडे देती हैं, लेकिन ये मुर्गा आजाने देने शुरू कर दिए आज उससे देख के। लेकिन अंदर हैं दूसरी मुर्गियाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब से ये ज़्यादा हो गई। पहले 7 थी, 10 थी, 3 ख़त्म हो गई थी, 7 बाकी, 5 और आ गई, तो अब ये 12 हो गई हैं। तो इंशाल्लाह अंडे भी देंगी वो और ये भी देना शुरू कर देंगे। वेलकम बैक सेम ब्लॉग गाइस, हम आए थे अभी लखा में, उस दिन शायद हम आखिरी बार मिले थे जो हम घर में थे, उसके बाद मेरे से ज़्यादा ख़राब थी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। लेकिन अब तो मैं बताता हूँ, इस वक्त हम लखा में, रात को मैंने होटल की रस्म की थी यहाँ पे, तो इस वक्त मैं कज़न के घर में था और अली भाई को लेके आए थे हम कटिंग करवाने के लिए, और इस मुबारक भाई के लिए कटिंग करवाएंगे, मैं नहीं खा सकता हूँ। मौसम आज कुछ इस तरह का है, अभी लखा का बादल छाए हुए हैं और आज 2023 का पहला दिन है और आपको नया साल मुबारक हो। और काफ़ी अच्छा दिन गुजरा है माशाल्लाह, आज का भी धूप वगैरह निकला थी, धूम थी काफ़ी सारी, लेकिन अब ठीक है, अभी खाते करवाते हैं। उससे पहले हमने ये सामने साइकिल्स हैं, इनका रेट चेक किया था, रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साइकिल उस तरह नहीं है ट्रैवल के नहीं है काबल, क्योंकि ये सिंगल तार वाली है। तो हमने सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्पेशल तैयार करवानी पड़ती है, उसके बाद ये तैयार हो जाती है। तो फिलहाल अली की कटिंग तकरीबन हो गई और मुबारक की कटिंग करवाते हैं और मैंने हाथ करवाना है, उसके बाद निकलते हैं वापस। कल मैं पहुंच गया था अपने घर और सारे काम जो थे मैंने निपटा के वापस रात को लौट आया था, और सुबह की मैंने मेहंदी की थी और अब सुबह हो गई है, अभी नाश्ता वगैरह तैयार है, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में है राइस, चने, नान और चाय, अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद दोबारा तैयारी करेंगे और बारात वाला। अभी खाना वगैरह हो गया था, नाश्ता बहुत अच्छा बना हुआ था, तो कुछ देर अंदर बैठे थे, अंदर ठंड ज़्यादा थी लेकिन बाहर धूप निकला, ये मौसम अब साफ हो चुका है। तो भाईजान के साथ बैठे थे, अभी मजाक चल रहा था, भाईजान बता रहे थे कि मतलब हर बंदे में एक कोई ना कोई खसूसियात होती है, तो भाईजान में मतलब सूंघने की हिस अल्लाह ताला ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से दी है, बहुत तेज़ दी है ना। तो भाईजान बता रहे थे रात को मेहंदी थी, मेहंदी पे चावल बने हुए थे, तो हम भाईजान की शॉप पे आए थे। देखिए ये घर है और ये शॉप है, कितना कितना डिस्टेंस है मतलब। तो भाईजान बताते हैं कि आज बिरयानी बनी है, तो जिन्होंने बनाई थी वो कहते हैं वाकई बनी है, हम हैरान हो गए। तो अगले दिन भाई मुझे मिले तो मैंने बोला भाई आप वही है ना जो आपने बताया था कि वो बिरयानी, तो भाईजान कहते वाकई वही है। भाईजान ये कमाल का टैलेंट है, ऐसे अच्छा लगा था माशाल्लाह। भाई आपकी रिहाइश इधर ही है, सही। अच्छा सैफ से वही बात, सैफ से बात हुई, क्या कहता है कितनी दूर है? 2-2.5, ठीक है। तो अभी वेलकम करेंगे बारात का इंशाल्लाह, बजे तक अस्सलाम, उसके बाद बारात अम्मा मैरिज हॉल तक ले आएंगे, इसमें दिल्ली का गेम कड़ी गेम खेलो। गाइज फाइनल हम आ गए हैं हवेलखा से निकल के और हवेली वाले फाटक पे, यहाँ पे यहाँ से बारात आएगी और यहाँ से करेंगे हम वेलकम और निकल जाएंगे सीधा इस तरफ, ऐसे जाएंगे तो पहुँचेगी बारात। फिलहाल इंतज़ार कर रहे हैं हम बारात का, बारात अभी काफ़ी दूर है, तो हम आए थे बाइक पे, वो सामने जो होंडा खड़ा है उस पर, तो बारात के आगे आगे हम ड्रोन फ्लाइट कराएँगे। हाँ बड़ा सिस्टम लाया, पक्के हला दे सिस्टम, बड़ा कमाल है, वाह। मुझे ना अक्सर नज़ला ज़ुकाम होता है ना, तो मुझे चाहिए होती है ये वाले चने, मैंने इस भाई से लिए हैं, तो भाई मेरे सामने भून रहे थे, तो मैंने सोचा भाई की वीडियो बनाई जाए, देखते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं कितनी। देखिए आग चल रही है, आग के ऊपर खड़े होके, सर्दी हो या गर्मी हो, इस कंडीशन में ये इस तरह मेहनत करते हैं, और देखें कितनी सख्त मेहनत है और कितनी हलाल की कमाई है, ये होती है असल मेहनत। ये देखें मूँगफली भाई ने भुनी थी, ये कच्ची थी और ये भुन गई, और ये भुनने के बाद भाई जान रख देंगे उस साइड पे, मुकम्मल भुन गई,
गुड हो गया। अच्छा ए वाले चने जड़े ए वाले ने ए भुनोगे इस तरह बन गए और छिलके वाले भी बन गए तो ए भी बन जाएंगे। गुड ए मुकम्मल ओके हो गई जी। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। गल चेक करें भाईजान ने किस तरह मेहनत की थी और ये कैसा रिजल्ट मिला। ये ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब कमाल के होते हैं, जो मिलते हैं ना दुकानों से वो ठंडे होते हैं, मतलब वो फ़ायदा नहीं देते। ये वाले बड़े अच्छा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि मैं तो अक्सर लेके खाता हूँ ये वाले, नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन ख़त्म होता है, मेडिसिन से ज़्यादा ये ज़्यादा असर करता है। तो गाइज हम आ गए हैं दिल्ली वाले घर में, रुख्सती हो गई थी तो काफ़ी सफ़र था, लेकिन मैं बाइक पे आया था, बाइक मेरी ये सामने है, दिल्ली वाली कार और दिल्ली वाला घर, ये दिल्ली वाला घर है। इसी जगह मैं पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन काम मेरा इस तरफ से था और जाके कर रहा था दुल्हन वाली साइड पे। इस तरफ हमने आग जलाई हुई है और आग हम सेक रहे हैं। तो फाइनल गाइज अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में पहुँच चुका हूँ। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र था और थोड़ा डेंजरस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से तय कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका हूँ, सब ठीक है यहाँ पे माशाल्लाह। तो मैं लेके आया था मिठाई और बच्चों को उठा के अभी खिला रहा हूँ। ये देखिए मैंने इन्हें बोला कि सुबह हो गई है, उठें, उठो भाई, मैं मन सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं, उठो स्कूल, स्कूल गए थे आज, उठो स्कूल नहीं जाना, होमवर्क लैन, उठो, 8 छुट्टियाँ हो गई हैं, खुशखबरी, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि जल्दी उठो, होमवर्क लैन जाना स्कूल चो, ठीक है मेहमान, गुड मॉर्निंग नाइट, यानी कि मॉर्निंग तो नाइट कट्ठी। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, ये देखिए मिठाई मिठाई मिठाई, ये लो आपकी पसंद, आप लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो सज्जे हाथ से, हाँ राइट हाथ से, हैंड से, अच्छा ये आपकी पसंद, उठा लो चले आ जाओ, मैं आपकी पसंद ये देखो, जल्दी क्या पसंद है भाई, उम्मीद उनका क्या पसंद है, ये देखिए ये आपको पसंद है, 7 भाई को 2 पसंद है, ये देखो एक हाथ पर ले में एक साफ में, है ना 2 पसंद है माशाल्लाह। चलो भाई उम्मे ले लो शाबाश। तो गाइस सब ने मिठाई भी खा ली, सारे खुश हुए माशाल्लाह, अभी उठे थे लेकिन दिन तो नहीं हुआ, रात के अभी 10 बजे हैं, 10 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं, तो सब भी अभी फुल जाग गया है, अभी ये बाथ में सो गया और पानी वगैरह पी के फिर सो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, इस वक्त मैं करूँगा एडिटिंग और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा और वीडियो अपलोड पे लगा के। फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।